कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर सिर्फ राहुल गांधी ने ही देश को बदनाम नहीं किया, बल्कि अब उसी रास्ते पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी चल रही है। राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा भारत विरोधी 100 पर भारत टुवर्ड्स बीइंग अ ग्लोबल लीडर आयोजन का हिस्सा बना और भारत की सफलताओं की कहानी को पाकिस्तान से भी कमतर करके बताया। इसमें आतिशी ने कहा कि हमें अक्सर बताया जाता है कि भारत की जीडीपी अब ट्रिलियन डॉलर के आंकड़ों को पार कर गई है। हमें बताया गया कि भारत सबसे तेज G20 अर्थव्यवस्था है और ऐसी कई अन्य जानकारियां दी गईं। हालांकि वास्तविकता उससे कहीं अधिक चिंताजनक और कमतर है। आतिशी ने कहा कि मुझे लगता है कि एक बेहतर संकेत है जो वास्तव में आपको देश की स्थिति के बारे में बताता है, वह मानव विकास सूचकांक है। कुछ संकेतक हैं जिनमें 190 देश भाग लेते हैं। भारत 191 में से 132वें स्थान पर है। ये 75वें साल का भारत है। आतिशी ने ये भी कहा, जबकि भारत खुशी चाहता है और ये अपने पड़ोसियों श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान जैसे देशों को मानव विकास सूचकांक यानी HDI से बेहतर है। पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2021-22 के लिए मानव विकास सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट जारी की। शुरुआत में ये नोट किया गया कि सूचकांक में सूचीबद्ध 90% देशों में 2020 या 21 में HDI में गिरावट देखी गई थी। भारत भी अपवाद नहीं था। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर था। सबसे पहले UNDP ने खुद स्वीकारा, भारत की गिरावट रूस यूक्रेन युद्ध, COVID-19 महामारी और खतरनाक ग्रह परिवर्तन जैसे संकटों के सामने वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। लेकिन आतिशी को तो देश के खिलाफ बोलना था, इसलिए इस तथ्य को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इसमें आगे कहा गया कि एक राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय से संबंधित मानव विकास में लगातार दो वर्षों 2020 और 21 में गिरावट आई है। ये पिछले 5 वर्षों की प्रगति के विपरीत रहा है। ये दर्शाता है कि दुनिया भर में मानव विकास 32 वर्षों में पहली बार ठप हो गया। ये वैश्विक गिरावट है। आतिशी ने ये सुझाव देने की कोशिश की कि भारत के मामले में HDI मूल्य में गिरावट एक अलग मामला है, जबकि अन्य देश इस मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे। अपने भाषण में दिल्ली की मंत्री ने HDI में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों के बारे में बताया, जिनमें औसत आय, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। इसके जरिए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किसी तरह लोगों की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य समग्र रूप से मोदी शासन के तहत टॉस के लिए चला गया है। UNDP ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में दुनिया भर में अरबों लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जब एक के बाद COVID-19 और यूक्रेन युद्ध जैसे संकटों ने प्रभावित किया और व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों परिवर्तनों का कारण बन गया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि हमें बताया गया कि भारत में अरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 2020 और 22 के बीच 102 से 166 हो गई है, और इन सब के बीच एक और आंकड़ा है जो 2020 से 2022 तक बढ़ा है, यानी देश में भूखे लोगों की संख्या। इन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है। लेकिन आतिशी ने ये नहीं बताया, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारत विरोधी आयोजन में जिस ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 का जिक्र किया, उसे भारत सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में ही खारिज कर दिया था। उसने रिपोर्ट को संकलित करने में इस्तेमाल की गई गलत पद्धति पर सवाल उठाया था। The report, News of India.